नमस्कार, आप देख रहे हैं असम लाइव 24, आपके साथ मैं हूं वर्षा। बता दें कि केएल राहुल ने 651 रन ठोके और अब कोई टीम इंडिया से उनको बाहर ही नहीं निकाल सकता है। बता दें श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में केएल राहुल ने नवाज जो है 64 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई, नंबर 5 पर खुद को साबित किया। हाल ही के दिनों में केएल राहुल को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, वही बांग्लादेश दौरे पर भी केएल राहुल का प्रदर्शन निराशजनक रहा। बता दें कि इसी खिलाड़ी पर काफी दबाव था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ वनडे में केएल राहुल ने दिखाया कि आखिर क्यों टीम इंडिया उन पर इतना भरोसा दिखाती है। केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता वनडे में 103 गेंदों पर नवाज 64 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में दम पर टीम ने 4 विकेट से मैच और सीरीज जीती। और आपको यह बता दें कि केएल राहुल ने कोलकाता में मुश्किल मौके पर टीम इंडिया को जिताकर कहीं ना कहीं खुद को साबित कर दिया है कि नंबर 5 पर इस खिलाड़ी का कोई जो है वो आसानी नहीं है। केएल राहुल का नंबर 5 पोजीशन पर कमाल रिकॉर्ड रहा। ये खिलाड़ी इस पोजीशन पर असरदार इनिंग्स खेल रहे थे, जिससे टीम इंडिया को काफी फायदा हो रहा था। बता दें केएल राहुल के नंबर 5 पर पोजीशन पर आंकड़े कमाल के थे। ये खिलाड़ी इस नंबर पर 15 पारियों में जो है वो 54.25 की औसत से 651 रन ठोक चुका था और इस दौरान राहुल के बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 शतक निकला था। बड़ी बात आपको बता दें, नंबर 5 पर खेलते हुए केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 102.03 का बताया गया था। केएल राहुल वनडे में नंबर 5 पर भेजने का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं असम लाइव 24, आपके साथ मैं हूं वर्षा। बता दें कि केएल राहुल ने 651 रन ठोके और अब कोई टीम इंडिया से उनको बाहर ही नहीं निकाल सकता है। बता दें श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में केएल राहुल ने नवाज जो है 64 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई, नंबर 5 पर खुद को साबित किया। हाल ही के दिनों में केएल राहुल को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, वही बांग्लादेश दौरे पर भी केएल राहुल का प्रदर्शन निराशजनक रहा। बता दें कि इसी खिलाड़ी पर काफी दबाव था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ वनडे में केएल राहुल ने दिखाया कि आखिर क्यों टीम इंडिया उन पर इतना भरोसा दिखाती है। केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता वनडे में 103 गेंदों पर नवाज 64 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में दम पर टीम ने 4 विकेट से मैच और सीरीज जीती। और आपको यह बता दें कि केएल राहुल ने कोलकाता में मुश्किल मौके पर टीम इंडिया को जिताकर कहीं ना कहीं खुद को साबित कर दिया है कि नंबर 5 पर इस खिलाड़ी का कोई जो है वो आसानी नहीं है। केएल राहुल का नंबर 5 पोजीशन पर कमाल रिकॉर्ड रहा। ये खिलाड़ी इस पोजीशन पर असरदार इनिंग्स खेल रहे थे, जिससे टीम इंडिया को काफी फायदा हो रहा था। बता दें केएल राहुल के नंबर 5 पर पोजीशन पर आंकड़े कमाल के थे। ये खिलाड़ी इस नंबर पर 15 पारियों में जो है वो 54.25 की औसत से 651 रन ठोक चुका था और इस दौरान राहुल के बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 शतक निकला था। बड़ी बात आपको बता दें, नंबर 5 पर खेलते हुए केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 102.03 का बताया गया था। केएल राहुल वनडे में नंबर 5 पर भेजने का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं।